बिल्कुल मुल्क भर की तरह कोटली आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान का 75वां जश्न आज़ादी इंतहाई जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से इस हवाले से जश्न आज़ादी रैली निकाली गई। इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर कोटली मौजूद हैं। क्या पैगाम देंगे कि आज पाकिस्तान का 75वां जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन हमारे लिए, हम सब के लिए और पूरी पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर कौम के लिए एक इंतहाई खुशी का दिन है। आज से 75 साल पहले बरेसगीर के मुसलमानों ने हिंदू और अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करके अपने लिए एक अलग वतन बनाया। इस वतन के अंदर, जिसकी बुनियाद कलमे के ऊपर रखी गई, जिसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है, हम सब लोग इस कलमे के अंदर परोए हुए हैं। आज का दिन पूरे बरेसगीर के मुसलमानों के लिए और पूरे आलम इस्लाम के लिए एक इंतहाई खुशी का दिन है, जिस दिन पूरे इस रूए ज़मीन के ऊपर इस्लाम के नाम पर एक बहुत बड़ा वतन मर्ज़ वजूद पर आया। आज के दिन के हवाले से डिस्ट्रिक्ट कोटली के अंदर हमने बहुत ज़्यादा एहतमाम किया, लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया। जैसे कि सुबह परचम कुशाई की तकरीब हुई, पूरे कोटली शहर के अंदर सायरन बजाए गए और अलल सुबह जो है इसमें दुआएं हुई, वतन अजीज़ के लिए दुआएं हुई। और आज के दिन के हवाले से हमने एक आज़ादी रैली निकालनी है, जो दिन 4:30 बजे खुरेटा क्रॉस से होती हुई हवाई जहाज़ ग्राउंड में आएगी। उसके बाद एक आज़ादी टूर्नामेंट मैच का एहतमाम किया गया है, जिसके बाद शाम मगरब की नमाज के बाद हवाई जहाज़ ग्राउंड में एक शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा, जिसमें तमाम सिविल सोसाइटी के लोग शामिल होंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो कौमें जो अपने आज़ादी के दिनों को याद रखती हैं और अपने मौसनों को नहीं भूलती, इस मौके के ऊपर वो लोग जिन्होंने इस्लाम की खातर और इस वतन की खातर अपनी जानों के नजराने पेश किए, आज वो उनको हम सबको खराज अकीदत पेश करते हैं। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब पूरी दुनिया के अंदर, आलम इस्लाम के अंदर पाकिस्तान का डंका बजेगा और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये मुल्क दिया करेगा और पूरे दुनिया के अंदर इसका बोलबाला होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है कि आज पूरे बरेसगीर के अंदर जो मुसलमान हैं वो जश्न आज़ादी के सिलसिले में खुशियां मना रखे हैं और इस मौके पर उन लोगों को भी खराज तहसीन पेश किया जा रहा है जिन्होंने वतन की खातर कुर्बानियाँ दी। जी